हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आ चुके हैं, यहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस लाइन में, और हमारे साथ में अमन भाई हैं। तो क्या कहना चाहेंगे अमन भाई? कहना यही चाहेंगे कि आज पीसी है पुलिस लाइन में। अभी देखते हैं कि थोड़ी देर में, अभी करीब तकरीबन अभी आपको 3 बजे के लमसम में पीसी है। अभी देखा जा रहा है कि एसपी पुलिस अधीक्षक आने द्वारा वाले हैं। पीसी होने वाली है। देखते हैं कि क्या मामला है, उसी को लेकर अभी हम लोग देखते हुए इसके बाद हम लोग आपको खबर बताते रहेंगे, जैसा भी बताते होगा चैनल रहेंगे। पे खबर तो आ ही हमारे जाएगा। साथ आप बने रहिएगा, और आप आपको ये भी बता सब्सक्राइब भी दें कि करिएगा चैनल देखिए, को। अभी यहाँ पे कोई आया नहीं है। सबसे पहले हम ही लोग आ गए हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। अभी यहाँ पे कोई नहीं आया है। सबसे पहले हम और अमन भाई आ गए हैं। ये हमारे पत्रकार साथी हैं, और ये यूपी की बात में इनका चैनल है। ये यूपी की बात से जुड़े हुए हैं, और यूपी की इनका एक बात से चैनल और भी है, प्राइम टीवी से भी प्राइम हैं। टीवी से भी हैं। तो भाई को भी सपोर्ट करिए, भाई बहुत ही अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको देते रहेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। अभी यहाँ कोई नहीं आया है, और सबसे पहले हम ही लोग आ गए हैं। चलिए ठीक, और फिर आगे जैसा रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। शिफ्ट कर देना। इसमें 7 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, 2 लोग वांछित हैं अभी, जिनकी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 का इनाम घोषित किया गया है। इसमें गाड़ी जो यूज़ हुई है, स्कॉर्पियो पिकअप और एक तमंचा, 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस और कुछ पैसे जो छीने गए थे वो रिकवर हो गए हैं। ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य हुआ है। इन पर गैंगस्टर और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिन अभियुक्तों को गिरफ्तार, तो गाइस जैसा कि आपने देखा, अभी यहाँ का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था वो ख़त्म हो चुका है, और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। चलिए अभी बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर क्या हो रहा है। और ये अमन भाई हैं। अमन भाई क्या कहेंगे आप? एसपी साहब ने आया था यहाँ पे, छावनी का मामला था, जो कि 7 अभियुक्त को गिरफ्तार हुए हैं, उसी को लेकर यहाँ पे पीसी भी थी। हमें आगे भी और अभी क्रम में भी थोड़ी देर में अभी हम बताते रहेंगे। हमारे साथ अपन, जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं, घर की तरफ जा रहे थे, और रास्ते में अभी रोडवेज पे रुके हुए हैं। और अमन भाई बता रहे थे यहाँ एक शिकंजी की दुकान है, आप देख सकते हैं ठेला लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रहता है। कैसा, आप क्या कह रहे थे अमन भाई? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये गर्मी का सीज़न है, थोड़ा सा गर्मी में अगर धूप में अगर प्यास की शिद्दत महसूस होती है, नींबू पानी का शिकंजी पी। जैसे देखिए, आज हम इमरान भाई, हम लोग दोनों लोग अभी रोडवेज पे ही शिकंजी पी रहे हैं। शिकंजी वाले भाई से हम लोग यहाँ पे जब भी इधर रोडवेज से गुजरते हैं तो हम लोग यहाँ पर पी के ही जाते हैं। और कहना यही था कि, और आप बता रहे थे यहाँ का जो शिकंजी है बहुत अच्छा, बहुत शिकंजी जो यहाँ का है बहुत मशहूर है, क्योंकि लाइन लगी रहती है इनकी शिकंजी पीने के लिए। लोग खोजते हैं इनको, के लिए दूर दूर से लोग भी यहाँ आते हैं इनके इनसे पीने के लिए शिकंजी। देखिए, हम भी लोग शिकंजी पीने के लिए आए थे, इधर से जा रहे थे घर की तरफ, तो शिकंजी देखिए हम लोग भी पी रहे हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।